शहर में पिछले 138 वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए इस साल भी पीली मारबत का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यह आयोजन नहीं रखा गया था, लेकिन इस साल इस उत्सव को मनाने के लिए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम तरहाने तेली समाज मारबत नागोबा देवस्थान में रखा गया है, ऐसी जानकारी आयोजकों ने दी है। नागपुर की गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए इस साल पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से बंद पड़े सामाजिक कार्यों की बयार एक बार फिर रंग ला रही है। इस साल नागपुर की मशहूर पीली मारबत की 138 वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए तरहानी तेली समाज मारबत नागोबा देवस्थान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी जानकारी कमेटी के कोषाध्यक्ष ने इन बीसीएन को दी। माझं नाव देवीदास गंगाधरराव कबने, कोषाध्यक्ष पीवी मारबत उत्सव कमिटी, पिवळी मारबत चौक नागपूर। मारबतीचं यावर्षी हे 138वं वर्ष आहे। इंग्रजा स्वस्ताच्या आधीपासूनचं हे काम अविरतपणे सुरू आहे। मध्यंतरी 2 वर्ष कोरोनाचे गेले तरी आम्ही इथे तिची पूर्ण ज्या प्रतिकृती तयार करत होतो तशी तयार करून तिचे दहन केले। फक्त कोरोनाचा प्रतिबंध असल्यामुळे आम्ही दर्शनास खुली केलेली नव्हती आणि आम्ही यावर्षीही जे निघणार आहे ते आता यावर्षी गव्हर्नमेंटने आणि सरकारने पूर्ण मुभा दिलेली आहे। त्याच्यामुळे आमचा प्रत्येक वर्षीचा जो रूट आहे त्या रूटनं फिरून पुन्हा या ठिकाणी येऊन सायंकाळी तिचं दहन करण्यात येईल। अंग्रेजों के जुल्म के विरोध में किए गए आंदोलन में विदर्भ के तरहाने तेली समाज का बड़ा योगदान रहा है। पोली की अमावस्या के दिन पीली मारबत की मूर्ति की स्थापना कर दूसरे दिन उसे नगर भ्रमण के लिए बाहर निकाला जाता है। साथ ही इस दौरान रोग राई घेऊन जागे मारबत बोलते हुए गांव के बाहर बड़ी ही धूमधाम के साथ मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति देखी जाती है। इन बीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।